ये इसका निर्वाद हो गया कि हम एक पत्र लिखते हैं। आइए देखेंगे आप तीसरा। अब मैं इसको ये जो आई और वी है इसके स्थान पर सब्जेक्ट बना रहा हूं यू। बनाओ आप, यू राइट ए लेटर। कोई परिवर्तन हुआ क्या? आपने देखा कि कुछ नहीं, सब्जेक्ट बदला है, बाकी सेंटेंस मैंने वैसा का वैसा उतार दिया। और जब मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया तो यहां भी मैं अनुवाद इसी प्रकार से करूंगा, यानी ताह ती है ताहू ती हूं ते हैं। लास्ट में बोलूंगा कैसे, मैं एक पत्र लिखता हूं, हम एक पत्र लिखते हैं, और अब मैंने कहा कि तुम एक पत्र लिखते हो, इसका अनुवाद होगा कि तुम एक पत्र लिखते हो। अब चौथा वाक्य देखना गौर से, ये तीन सेंटेंस बताए मैंने, चौथा वाक्य है ही, यही कर दिया मैंने, और आगे कर रहा हूं मैं राइट, ही राइट ए लेटर, ही राइट ए लेटर हो गया। अब सेंटेंस को गौर से देखो, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एरर, और वाक्य में क्या गलती है, इस गलती को, इस मिस्टेक को पकड़ने की कोशिश करो। तो आपने देखा होगा यहां राइट बिल्कुल सही, यहां भी सही, यहां भी सही, परंतु यहां क्या होगा, यहां एस जुड़ेगा तभी तो वाक्य शुद्ध बनेगा। ही के साथ में राइट नहीं, राइट्स का प्रयोग होगा, ऐसा क्यों होगा ये बात मैं आपको अंत में बताऊंगा। पांचवा देखें आप, शी, अगर आपने शी किया तो भी राइट का प्रयोग नहीं होगा, राइट्स का प्रयोग होगा। शी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है, इसका मतलब तो था कि वह एक पत्र लिखता है, इसका मतलब हो गया वह एक पत्र लिखती है। और छठा सेंटेंस देखना, दे कर दिया यहां पर, दे राइट, राइट इसके अंत में मैंने एस नहीं जोड़ा है, दे राइट ए लेटर,